हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल बगल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो को वॉच करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बगल में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त देवपाल बघेल। दोस्तों आज की वीडियो पेटीएम से रिलेटेड है कि कैसे हम लोग पेटीएम पर केवाईसी कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप लोग 20,000 तक की ट्रांजेक्शन करते थे, अगर आप लोग केवाईसी करके वीआईपी मेंबर बनना चाहते हैं जहां पर आप लोग 5,000 रुपये कैशबैक ले सकते हैं 6 महीने तक, तो आप भी केवाईसी करके वीआईपी मेंबर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे केवाईसी कर सकते हैं और मैं पेटीएम से रिलेटेड और भी वीडियो लेकर आने वाला हूं, क्योंकि पेटीएम पर अब बैंक बनने वाला है जहां पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली यहां पर पेटीएम से रिलेटेड कोई भी उतार चढ़ाव होता है तो मैं आपके लिए वीडियो यहां पर लेकर आऊँगा। पेटीएम ओपन करने के बाद पेटीएम केवाईसी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पेटीएम पर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको अपडेट करना होगा। अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग ओपन करने के बाद आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड देना पड़ेगा, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो नीचे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पासपोर्ट है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपके पास NRIGA जॉब कार्ड है तो आप लोग इनमें से किसी को भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे आपको करना होता है। तो यहाँ पर हम अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। तो और यहाँ पे हम नीचे नाम लिख देते हैं, जिनका आधार कार्ड है उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। और इसे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। चलिए प्रोसेड कर देते हैं। और उसके बाद हमें एक ओटीपी नंबर के लिए कहा जाएगा, तो ये देखिए इंटर ओटीपी नंबर। तो यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी नंबर जाएगा, तो फिलहाल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैंने इसी फ़ोन में लगा रखा है तो मुझे ओटीपी नंबर यहाँ पे मिल गया। तो चलिए इसको फिल कर देते हैं अब और वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमारी फ़ोटो, नाम वगैरह सारी डिटेल्स हमारी आधार कार्ड की आ चुकी है, और यहाँ पर हम यस इट्स मी पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो प्रोफाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं आर यू मैरिड, तो यहाँ पर मैं अनमैरिड कर देता हूँ, मैं अनमैरिड हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रोफेशन, तो स्टूडेंट है, क्या जॉब करते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल स्टूडेंट पे भर देता हूँ। योर फैमिली डिटेल्स, यहाँ पर आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यस क्लिक कर देना है कि आपका एड्रेस जो है आधार कार्ड का बिल्कुल यही है। उसके बाद आपको एक्सेप्टेड पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लोग वीआईपी मेंबर बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ओपन होगा। जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो नीचे थोड़ा सा आप लोग स्किप करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग वीआईपी इस प्रोमो कोड को लगाते हैं तो 500 रुपये की जो अगर आप लोग शॉपिंग करते हैं तो आपको 100 रुपये कैशबैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोमो कोड आपको यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद अगर आप लोग दोबारा से केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन। तो चलिए जान लेते हैं कि मिल रहा है ऐसा कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन का हमें ऑप्शन मिल चुका है क्योंकि हम वीआईपी मेंबर बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग केवाईसी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हैं, वेबसाइट से भी इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाली मेरी वीडियो पेटीएम के रिलेटेड होने वाली हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही पेटीएम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।